सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री उत्तर पूर्व के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उनका विजन है कि देश के हर कोने से कनेक्टिविटी रहनी चाहिए। बीते 10 वर्षों में सिक्किम में आए बदलावों को आप खुद देख सकते हैं। नड्डा ने कहा कि जो पहले की सरकारें थीं वो अलगाव और अज्ञानता में विश्वास रखती थी। इन लोगों को अलग रखो और अज्ञानता में रखो। जेपी नड्डा ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बने तो उन्होंने पूर्व की ओर देखा और पूर्वी राज्यों के विकास के लिए काम किया। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, बहुत हो गया, आपको मुख्य धारा में आना होगा और यह तभी संभव है जब बीजेपी की सरकार केंद्र और राज्य में बनेगी। हम सिक्किम को स्वच्छ, जनोन्मुख, प्रगति से भरपूर, शांति, बुनियादी ढांचा, विकास और मुख्य धारा में शामिल करेंगे। लेकिन आप लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, इनफ इज इनफ, यू हैव टू कम टू द मेन स्ट्रीम और मेन स्ट्रीम है भारतीय जनता पार्टी एंड द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी। रीजनल पार्टीज इनफ हो गई, इनफ हो गया कि नहीं हो गया? इनफ, यू वॉन्ट मेन स्ट्रीम पार्टी और नॉट? आपको मेन स्ट्रीम पार्टी की तरफ ध्यान देना होगा, इसलिए इनको गुड बाय कहिए और भ्रष्टाचार को भी गुड बाय कहिए। वी विल प्रोवाइड यू क्लीन, पीपल ओरिएंटेड, फुल ऑफ प्रोग्रेस, फुल ऑफ पीस, फुल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फुल डेवलपमेंट एंड मेन स्ट्रीमिंग ऑफ सिक्किम, दैट इज व्हाट आई प्रॉमिस टू माय भारतीय जनता। सो गॉन आर दोज डेज, उनको गुड बाय कहिए, इसको खरीदा, उसको बेचा, इसको ये किया, उसको वो किया, करप्शन किया, इधर किया, उधर किया, सबको कहिए गुड बाय एंड लेट लोटस ब्लॉसम, कमल खिले, इसके लिए हमको काम करना है।